दोस्तों, जैसे कि मैंने ये पहले जो मीटर ख़रीदा था ऑनलाइन से, तो आपको मैंने एक वीडियो भी शॉर्ट में बना के दिखाया था। तो उसके बाद ये मुझे सही नहीं लगा, तो ये थोड़ी सी मालूमात मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर लूँ। ये मुझे जो पड़ा था 1250 तक, यहाँ तक आ गया था। और उसके बाद ये मैंने ख़रीदा, जो हमारे इंक सीओ, जो हमारी कंपनी है, बहुत ही मशहूर कंपनी है, उनका ख़रीदा। ये आपको देखने में थोड़ा सा छोटा लगता है, तो ये भी बहुत सही बात है। और उसके बाद इसमें मुझे जो मसला आया, और इसमें सेल लगते हैं 1.5 वोल्ट के दो, और इसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगती है। आपकी जानकारी लिए बता दूँ, तो इसमें जब आप यहाँ पे प्रोब को मिलाओगे तो आपको जो है रीडिंग जल्दी देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैं डायोड एंड पे सेट करता हूँ और यहाँ पे मैं प्रोब को लगाता हूँ, तो ये देखो जल्दी हो गया। अब वही काम हम यहाँ पे इस पे करते हो। इसमें डायोड और बजर साथ ही है, तो इसमें बहुत ही देर होती है, आपको हाथ को पकड़ के रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे मैं मिला रहा हूँ, तो यहाँ पे अभी ये थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, तो अभी ये काम भी सही नहीं कर रहा है। देखो ये वैल्यू ऊपर नीचे करता है, तो हमारा ओम ज़रा सा भी इधर उधर हो जाता है, तो हमारा जो काम सही नहीं बनता है। अगर आप इनको 2 या 3 सेकंड पकड़ के रखोगे तभी आपको जो है 1-2 वैल्यू सही देखने को मिलेगी। तो ये जो मुझे पड़ा था दरा से, जैसे कि मैंने इनकी भी की थी, वीडियो बनाई थी मगर अपलोड नहीं की थी, तो ये मुझे पड़ा था 1655 में, और फर्स्ट टाइम मैंने ख़रीदा था, इसलिए मुझे डिस्काउंट मिली 150। अगर 150 डिस्काउंट नहीं मिलती तो ये मुझे पड़ जाता 1600, 1700, 1800, 5 रुपये मुझे ये पड़ जाता मुझे पा। तो इस वीडियो में आपको यही कहना चाहूँगा कि आपको जो है कोई चीज़ थोड़ी सी महंगी ख़रीद लो, मगर अच्छी सी ख़रीद लो, बाद में आपको दिक्कत ना आए कि आप बाद में चेंज करते फिरो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने ये सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर कर लूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं पास तो अब 2 मल्टीमीटर हो गए हैं,